पॉलिटिकल पावर सेंटर की पहली खबर जम्मू कश्मीर से है। डोडा में मुठभेड़ के दौरान एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों के साथ जो फायरिंग हुई, जो मुठभेड़ हुई, इस दौरान बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और कई अहम सवाल भी इस घटना ने खड़े किए हैं। कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही बिजेंद्र और सिपाही अजय, ये वो नाम है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये वो शहीद हैं जिन्होंने देश की आन बान शान की खातिर अपना सर्वस्व देश के लिए न्योछावर कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और कश्मीर एसओजी की टीम ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया था। धारी गोटे उरार बागी नाम की जगह में आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। डेसा जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इस बीच आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें सेना के एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान भी घायल हुआ है। घने जंगल में आतंकियों की तलाश अब भी जारी है। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकियों से बदला लेने के लिए सेना के जवानों ने जंगल में फिर से सर्च अभियान शुरू कर दिया है। सेना की स्पेशल फोर्स आर्मी के विशेष हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश की जा रही है। आने जाने वाली गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। शहीद हुए जवानों में झुंझुनू जिले के भैसावता गांव के सिपाही अजय सिंह भी हैं। बेटे की मौत से गमजदा पिता बेटे की याद में फूट फूट कर रो रहे हैं। शहीद के आवास पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। देखिए, जम्मू कश्मीर के डोडा में जो ये आतंकी हमला हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है, जो धीरे धीरे घाटी में अपने पांव पसार रहा है। आपको इससे जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी देते हैं। देखिए, जैश ए मोहम्मद के साथ इस कश्मीर टाइगर संगठन का संबंध है। जनवरी 2021 में ये सबसे पहले सुर्खियों में आया था। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कश्मीर टाइगर्स के बारे में कि जून 2021 में ग्रेनेड हमला जो हुआ था, उसकी जिम्मेदारी भी इसी संगठन ने ली थी। इसी संगठन के जरिए वो हमला किया गया था। पर दिसंबर 2021 में श्रीनगर में पुलिस बस पर भी अटैक कश्मीर टाइगर्स की तरफ से ही किया गया था। घात लगाकर हमला करने और बम विस्फोट करने में कश्मीर टाइगर्स माहिर है। और अब इन्हीं आतंकियों को तलाशने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। अब इस खबर पर और क्या डिटेल्स हैं, ये चलते हैं आपको अखिलेश के पास। बिल्कुल श्रीन, देखिए जिस तरीके से आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया और उसके बाद जंगल में जाकर छिप गए, एक बात तो साफ तौर पर नजर आती है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति से वो भली भांति परिचित थे। मैं आपको आसिफ कुरैशी के पास ले चलता हूँ। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, 18 से 20 घंटे का वक्त गुजर चुका है, क्या किसी तरीके की कोई कामयाबी वहां पर सुरक्षा एजेंसियों को मिल पाई है, कुछ और जानकारी मिल पाई हो? अखिलेश, देखिए चूंकि ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए सुरक्षा बलों की तरफ से कोई भी जानकारी ऑपरेशन के बारे में साझा नहीं की जा रही है। लेकिन खुफिया एजेंसियों में सूत्रों के मुताबिक उनका ये कहना है कि हमले के तुरंत बाद ही जो 3 से 4 मिलिटेंट्स का ये ग्रुप है जो इस इलाके में था, वो अपनी जगह बदलकर दक्षिण कश्मीर के पहाड़ों की तरफ मुंह करता हुआ देखा गया है। लेकिन चूंकि ये इलाका ऐसा है कि काफी ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल है और झाड़ फूट भी बहुत है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ छुपने की जगह काफी ज्यादा है। यानी जब तक जमीन पे जवान चप्पे चप्पे की तलाश ना करेंगे, तब तक मिलिटेंट को ढूंढ पाना जो छुपे हुए हैं मुश्किल है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की मदद से यहाँ पे इस समय खंगाला जा रहा है। जिस जगह से हम रिपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे लगातार जो है कैमरा के साथ कुछ हमिंग की आवाज आती है, वो इसी वजह से कि यहाँ पे जो लगातार जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए। आप इस पर नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ तो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब इस हमले को लेकर इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है और कांग्रेस ने तो सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर दिए।
कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों में शहीद जवानों की मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कश्मीर में हमले के लिए बीजेपी की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। लोकसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल ने लिखा है, जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है तीसरी बार, तब से ये आठवां या नौवां हमला है। प्रधानमंत्री जी कैपिटलिस्टों की शादी में तो घूम रहे हैं, लेकिन सेना की इन्होंने कोई भी कोर कमांडर्स की अभी तक बैठक नहीं ली है। भारतीय सेना को और नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि इस पर गंभीरता से काम करें। नरेंद्र मोदी बड़ा बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे, क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इधर बीजेपी का कहना है कि शहीदों की मौत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, भारत की तरफ से आतंकियों को माकूल जवाब दिया जाएगा। हमारे जो जवान है जम्मू के डोडा में शहीद हुए हैं, बहुत दुखद है, और हमारी सरकार पूरी ताकत से आतंक को जड़ से मिटाने में लगी हुई है। जो आतंकी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, और जो आतंकी के आका हैं उन्हें भी सबक सिखाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पिछले एक महीने के अंदर आतंकी घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 9 जून को ही आतंकियों ने जम्मू के रियासी में तीर्थ यात्रियों से भरी बस को निशाना बनाया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकियों ने कठुआ में भी 8 जुलाई को सेना की गाड़ी को टारगेट किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। बहरहाल जख्म गहरे हैं और देश शहीद जवानों की मौत का बदला मांग रहा है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमले थम नहीं रहे। हाल के दिनों में सिर्फ अगर आप देख लीजिए सीरियल अटैक, आपके सामने ये तमाम घटनाक्रम। डोडा वाली घटना आप देख ही रहे हैं, हमले में 5 जवान शहीद हो गए। 15 जुलाई वाली जो घटना है जिसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आप तक हमने पहुंचाई। 8 जुलाई 2024 को भी कठुआ में सैन्य काफिले पर हमला हुआ था, 5 जवान तब भी शहीद हुए थे। और 7 जुलाई 2024 की बात करें, राजौरी में सेना के कैंप पर हमला हुआ था, तब एक सैनिक उसमें घायल हो गया था। इसके अलावा 11 जून 2024 की बात कर ली जाए, कठुआ और डोडा में 3 एनकाउंटर, 1 जवान तब भी शहीद हो गए थे। एक और घटना 9 जून 2024 की, रियासी में बस पर आतंकी हमला हुआ था, 9 सिविलियंस की जान चली गई थी, 9 लोगों की मृत्यु हुई थी। और ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बार बार जो ये सिलसिला चल रहा है इसका जवाब सरकार कब देगी? मुंहतोड़ जवाब की प्रतीक्षा पूरे देश को है। आइए अब मैं एक बार फिर से आपको शीन के पास ले चलता हूं। बिल्कुल अखिलेश, और देखिए अब शहीद के पार्थिव शरीर, उनके पैतृक आवास भी पहुंचाए जा रहे हैं। और अब हम सीधे रुख करते हैं मनीष का, राजस्थान के झुंझुनू से शहीद अजय के परिवार से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मनीष, वैसे तो देखिए गम का माहौल है, परिवार के लोगों से आपकी बात हुई होगी, वो इस आतंकी घटना को लेकर शहादत पर क्या कह रहे हैं, क्या कोई मांग की जा रही है सरकार की तरफ से? शरीन, अगर बात की जाए तो झुंझुनू जो शेखावाटी का प्रमुख जिला है, आज वहां पर दोहरा शोक है क्योंकि आसपास रहने वाले 2 जाबाजों ने अपनी शहादत दी है। अगर बात की जाए अजय सिंह नरूका की, तो तकरीबन 6 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे और राज राइफल्स में उनकी तैनाती थी। जो दूसरे शहीद हुए हैं विजेंद्र, उनके बड़े भाई भी सेना में है और लखनऊ में तैनात है। खास बात यह है कि इन दोनों शहीदों का पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो शहादत और सेना से जुड़ी हुई है। इन दोनों को लेकर के गांव में शोक का माहौल है। फिलहाल तो जो पार्थिव देह है शहीदों की, उसका इंतजार किया जा रहा है। गांव की महिलाओं को इस बात की जानकारी बहुत कम दी गई है कि गांव के 2 शहीद हो चुके हैं। कुल मिलाकर के गांव में गमगीन माहौल है, और शेखावाटी के लिहाज से दोनों शहीद झुंझुनू जिले से ताल्लुक रखते हैं, सिंघाना वो तहसील है जहाँ के ये रहने वाले थे। इन दोनों की पार्थिव देह कल यहाँ पहुंचेगी, उसके बाद पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी अखिलेश, ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। हैरान करने वाली खबर बिहार से भी आई। बिहार में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है, और इसलिए चूंकि वहां पर एक पूर्व मंत्री के पिता की घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है निर्ममता के साथ। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी
उनके पिता को जिस तरीके से मार दिया गया, बिहार में नीतीश कुमार का जो सुशासन है वो अब सवालों के घेरे में है। पटना से करीब 125 किलोमीटर दूर बिहार के दरभंगा की ये तस्वीरें हैं। खोजी कुत्ता बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता के हत्यारों की सुराग तलाशने में जुटा है। सुबह सुबह खबर मिली कि दरभंगा के इस घर में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। खबर मिलते ही जिले के आला अधिकारी और पुलिस की टीम बिरौल के इस घर में पहुंची और छानबीन शुरू। पुलिस को शुरुआती जांच में शक है कि लूटपाट की नियत से हत्या की गई। घर की अलमारी पुलिस को बाहर मिली है। 3 बाइक और 3 ग्लास घटना स्थल से मिले हैं। पुलिस इन सबूतों के आधार पर कड़ियां जोड़ने में जुट गई। घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 ग्लास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी है जांच की जा रही है। पटना से एक एसटीएफ की टीम भेजी गई है, एक एसआईटी का गठन किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। 2 संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। फॉरेंसिक और सीआईटी की टीम ने भी मौके पर जाकर सबूत जुटाए हैं। हत्या बिहार के बड़े नेता के पिता की हुई है, लिहाजा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की, तो पार्टी के नेताओं ने इस घटना को जंगल राज बताकर निशाना साधा। ये प्रमाण पत्र है बिहार की सरकार को कि न कानून है न व्यवस्था। किसी जिले में दुष्कर्म का मामला, किसी जिले में हत्या का मामला, किसी जिले में आगजनी का मामला, तो ये साबित करता है कि बिहार में 1% भी सरकार नाम की चीज नहीं है। इसको जंगल राज की उपमा ना दे। जहां एक आम शहरी महफूज नहीं है तो जंगल राज की उपमा ढूंढने के लिए कहां जाए आदमी। सवाल नीतीश कुमार पर उठ रहे हैं, लेकिन मंत्री बचाव कर रहे हैं। सीएम ने डीजीपी से बात की है और एसआईटी बनाकर जांच के लिए कहा है। जैसे ही घटना की सूचना मिली, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुकेश सहनी जी से बात की, स्वयं उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया, इनके निर्देश पर ही एसआईटी का गठन हुआ। और अगर स्वयं नहीं सरकार चलाती तो मुकेश सहनी जी तो विपक्ष के साथ ही हैं, उन्हीं से इस बात की तस्दीक कर लें। जेडीयू और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जो लोग राम राज्य की बात करते हैं, वहाँ आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जब किसी जिला में हत्या नहीं हो रही है। और ये तो ठीक है, मुकेश सहनी बड़े नेता हैं इस राज्य के, उनके परिवार में उनके पिता की अगर हत्या हो सकती है तो किसी की हो सकती है। आम आदमी वहाँ पर सुरक्षित है, यद्यपि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईटी का गठन हो चुका है, कल्प्रिट पकड़े जाएंगे, जबकि लालू जी के राज में एफआईआर भी दर्ज ऐसे मामलों में नहीं होती थी। सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का मुंबई में कारोबार है। बिहार में वो महागठबंधन के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक ही हेलीकॉप्टर में घूमकर प्रचार किया करते थे। मुकेश सहनी बड़े कारोबारी और नेता हैं, लेकिन उनके पिता दरभंगा के पुश्तैनी घर में अकेले रहा करते थे। इसी घर में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बेरहमी से अपराधियों ने हत्या की है। कल रात हत्या हुई है, उस वक्त वह सो रहे थे और घर में अकेले थे। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी जो हैं वो फरार हो गए हैं। आपको बता दें, मुकेश सहनी 2 भाई हैं, वो दोनों बाहर रहते हैं। उनकी एक बहन है जो मुंबई में रहती हैं। जब घटना हुई उस वक्त मुकेश सहनी मुंबई में थे। गाँव के लोग हैं, उनका कहना है कि उनके पिता लंबे वर्ष से यहाँ अकेले रह रहे। बात अब यूपी की सियासत की करते हैं। क्या यहाँ कोई खेला करने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति की बैठक में एक बयान देकर माहौल गर्म कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस गर्मी को और बढ़ा दिया दिल्ली पहुंचकर। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। रविवार को जब से लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक खत्म हुई है,
तब से प्रदेश की सियासत का पारा गर्म हुआ है। संगठन सरकार से बड़ा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का संगठन बनाम सरकार वाला बयान चर्चा में है और इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उस मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। चौदह जुलाई की मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया और अगले दिन यानी 15 जुलाई को कुछ इस अंदाज में अपनी बात रखी। सोशल मीडिया पर लिखा, जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का, कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता कभी जीत और हार का, कार्यकर्ता ही मेरा गौरव व मेरा अभिमान है। पहले मीटिंग में संगठन का जिक्र, फिर सोशल मीडिया पर और अब अचानक से केशव मौर्य दिल्ली का रुख कर चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं। उनका अकेले राजधानी पहुंचना लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व से केशव प्रसाद की प्रदेश के सियासी हालात पर चर्चा हो सकती है। पॉलिटिकल गलियारे में इस बात की कानाफूसी हो रही है कि आखिर केशव के दिमाग में क्या चल रहा है। चुनावी नतीजों के बाद से हार पर मंथन चल रहा है और हार की जिम्मेदारी किसकी है, इसे लेकर पार्टी के अंदर असमंजस साफ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेताओं की बयानबाजी यूपी में बढ़ी, उसके बाद से ये चर्चा होने लगी है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। कार्य समिति की बैठक में आप मौजूद थे जो जी केशव मौर्य ने सही लिखा? बिल्कुल सही लिखा है। जो संगठन का कार्यकर्ता है वो बिना किसी निजी स्वार्थ के संगठन का काम करता है, तो उन कार्यकर्ताओं की तो घोर उपेक्षा हुई। नौकरशाह सरकार के खिलाफ साजिश में लिप्त हैं। हालांकि पार्टी के कई नेता ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सभी को अपनी बात कहने का हक है। कार्य समिति इसीलिए तो होती है कि सब लोग सामयिक विषयों पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करें। कोई बात नहीं, सब लोग अपने विचार रखे, हमारे प्रदेश के सभी महामंत्रियों ने अपने विचार रखे और हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब ने विचार रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुआ, तो इन सब चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर और ये पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई वो है उस नज़रिए से नहीं देखा। फिलहाल यूपी में हार के साइड इफेक्ट संगठन से लेकर सरकार तक देखने को मिल रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में विधानसभा का उपचुनाव भी होना है और वो चुनाव 2027 का सेमीफाइनल हो सकता है। ऐसे में अगर संगठन और सरकार में एकजुटता नहीं दिखी तो फिर मुश्किल हो सकती है। और पॉलिटिकल पावर सेंटर में अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जो हालात उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं, बीजेपी के अंदर मंथन का दौर जारी है। केशव प्रसाद मौर्य की जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। शाम 7:40 का वक्त बताया जाता है जब इन दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। सवाल यह है कि आखिर इस मुलाकात में क्या बात होगी, क्या चर्चा होगी। जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर दिख रहे हैं, रसाकशी नजर आ रही है, सवाल यही कि आखिर इस मुलाकात का एजेंडा क्या रहने वाला है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। बीजेपी से जुड़ी खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर आप रखते हैं नीरज, आज जो ये मुलाकात हो रही है उसका एजेंडा क्या बिल्कुल स्पष्ट है? देखिए, भाजपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के बीच में मुलाकात का एजेंडा तो अभी तय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस समय अफवाहों का बाजार गर्म है, संगठन के बीच के अंदर
जिस तरह से बातें निकल कर आ रहे हैं उससे साफ है कि कहीं ना कहीं इस मुलाकात को इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। इस मुलाकात के पीछे ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या स्वरूप होगा, सरकार में कैसी गतिविधियां होंगी, सरकार का क्या स्वरूप होगा, सरकार और संगठन के बीच में कैसा तालमेल होगा, इन सब विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि केशव मौर्य केवल डिप्टी सीएम ही नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पार्टी में सीनियर लीडर हैं और लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं, तो संगठन को बहुत बिल्कुल। नीरज, आप इस पर नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन मुलाकातों की, इन समीक्षा बैठकों की जरूरत क्यों पड़ रही है, इतना हाहाकार हार को लेकर यूपी में क्यों मचा हुआ है। तो आपको इसके लिए एक नंबर गेम समझाते हैं। दरअसल आप नंबर्स देखेंगे तो समझ आएगा कि आखिर ये हाहाकार के पीछे की वजह क्या है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80, जिसमें से यहां 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने अकेले जीती थी और इसी के साथ 33 सीटों पर जीत बीजेपी ने की थी। उसके साथ ही बीजेपी यहां पर समाजवादी पार्टी की सहयोगी यानी कि कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी और बीजेपी की सहयोगी आरएलडी 2, अपना दल 1 और आजाद समाज पार्टी ने भी 1 सीट जीती थी। तो कुल मिलाकर यहां पर सबसे बड़ी पार्टी जो बनी थी 37 सीटों के साथ वो समाजवादी पार्टी बनी थी और इसीलिए खलबली बीजेपी में ज्यादा बनी हुई है। खबर हरियाणा से है। पिछले 18 दिनों में अमित शाह दोबारा हरियाणा पहुंचे, यहां पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया है और जिस तरीके से उन्होंने खुद को बनिए का बेटा वहां पर बताया, माना यही जा रहा है कि सियासी कार्ड वो खेल रहे हैं और गैर जाट वाला जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है वो बनाकर बीजेपी वहां सत्ता में वापसी करना चाहती है। भारत माता की, भारत माता की। 3 हफ्तों में ये दूसरा मौका है जब गृह मंत्री अमित शाह सत्ता की हैट्रिक के लिए हरियाणा पहुंचे हैं। कल हुडा साहब ने घोषणा की है हरियाणा के गांव गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगे। हुडा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूँ, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूँ, पाई पाई का हिसाब। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के जरिए प्रदेश में नई सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश है और इसी कोशिश को कामयाब बनाने के लिए अमित शाह ने महेंद्रगढ़ से हुंकार भरी है। हुडा साहब, चुनाव आता है तब बीसी 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 की माला जपते हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का काम, यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे, बीसी के हक की हम संरक्षण करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन किया, खट्टर की जगह पिछड़े समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया। अब नायब सिंह सैनी के चेहरे को आगे करके गैर जाट वोटों को साधने की तैयारी है। हमने हरियाणा में एक बीसी के बेटे को गरीब घर से, नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, पूरा बीसी समाज एकत्रित हो और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। राज्य के जातीय गणित को समझें तो 25% जाट, 21% दलित, 8% ब्राह्मण, 8% पंजाबी, 5% वैश्य, 5% यादव, 4% मुस्लिम, 4% सिख, 3% गुर्जर और 17% अन्य हैं। बीजेपी ने पिछड़ी जाति से मुख्यमंत्री, पंजाबी समुदाय से मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में मंत्री और ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर गैर जाट पॉलिटिक्स को धार देने की कोशिश तेज की है। असल में जाट वोट बैंक पर कांग्रेस, INLD और JJP तीनों की नजर है और बीजेपी इन तीनों से अलग पहचान स्थापित करने में जुटी है। एक तरफ बीजेपी गैर जाट समीकरण के जरिए नई सोशल इंजीनियरिंग में जुटी है तो दूसरी ओर कांग्रेस की भी तैयारी तेज है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की है। सारी बातें करी है, जो लोकसभा के रिजल्ट आए हैं उसमें भी सारी बातें करी, आगे हरियाणा के इलेक्शन वाले उनकी भी चर्चा की है।
चुनाव के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी। हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं, आने वाली असेंबली में इलेक्शन होंगे तो हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। पिछले हफ्ते ही बीएसपी और आईएनएलडी का भी प्रदेश में गठबंधन हुआ है। दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जातीय और सामाजिक समीकरण को सेट करने में जुटा हुआ है। इन सब के अलावा जाट वोट बैंक की राजनीति करने वाली जेजेपी भी प्रदेश में एक प्लेयर है। फिलहाल जेजेपी का किसी से गठबंधन नहीं है, लेकिन जाट वोट बैंक के दम पर दुष्यंत चौटाला अपना एक अलग असर राज्य की राजनीति में रखते हैं। पिछली बार चुनाव के बाद जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन इस बार क्या करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, बीते लोकसभा चुनावों में यहाँ बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। 10 सीटों में से 5 सीटें ही बीजेपी जीत पाई, लेकिन अब इन लोकसभा सीटों के आंकड़ों को थोड़ा विधानसभा के पैमाने पर अगर हम समझे तो ये देखिए, 90 विधानसभा की सीटें जिसमें से 46 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली और 44 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई। यानी कि ये जो मुकाबला है दोनों के बीच, ये कांटे का ही देखने को मिला है और इसीलिए चिंता बीजेपी के लिए यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वासियों को राहत की सांस दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से लोग गुहार लगा रहे थे, जिनकी गुहार देश और दुनिया तक पहुंची। फिर योगी आदित्यनाथ से इन लोगों ने मुलाकात भी की और फिर बुलडोजर पर ब्रेक लग गया। तस्वीरें लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग की है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर महिलाओं के चेहरों पर सुकून का भाव है। ये उसी इलाके की महिलाएं हैं जहां कुछ दिनों पहले मकानों पर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए गए थे। अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस इनका बहुत खुश है, बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा। दरअसल कुकरैल नदी के सुंदरीकरण के लिए रहीम नगर, पंत नगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के करीब 2000 घरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। विरोध इतना बढ़ गया कि लोगों ने अपने घरों की दीवारों के बाहर रजिस्ट्री की तस्वीरें चस्पा कर दी थीं। मामले ने तूल पकड़ा तो सीएम योगी एक्शन में आए, अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि अब बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। इलाके की महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल आज सीएम से मिला। सीएम ने आश्वासन दिया तो बाहर आई महिलाओं के चेहरे खिल उठे। इलाके के लोग अब दूसरों को मिठाइयां खिलाकर योगी का धन्यवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस इलाके के लोगों के साथ में बैठक की, उसके बाद तय किया गया है कि फिलहाल यहाँ जो सर्वे का काम चल रहा था उसको रोका जाएगा और इसके बाद यहाँ इस इलाके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा। एकदम से कुछ लोग आते हैं, निशान लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब आपका घर बुलडोज कर दिया जाएगा, आपका घर खत्म कर दिया जाएगा। लगातार यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया। जितनी खुशी आज हम लोगों को हुई है, इतनी खुशी मकान बनाने पे जितनी होती है उससे ज्यादा आज खुशी हुई है। योगी आदित्यनाथ जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया सही वक्त पे। योगी सरकार के लिए चुनौती इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि मंत्रिमंडल के अंदर खाने से ही विरोध की आवाजें उठने लगी थीं। मंत्री संजय निषाद ने बुलडोजर कार्रवाई को सरासर गलत बताया था। नहीं, गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जो बुलडोजर चलाया वो अच्छा था, अच्छा है भी। माफिया के होना चाहिए, जो कब्जा किया होना चाहिए, दहशतगर्द होना चाहिए, जो इस तरीके का काम किया होना चाहिए, और उसका फायदा भी है मिला। कुछ ऐसे एक दो अधिकारी हैं जो इस तरीके का वोट खराब करके एक किसी आदमी के साथ गलत किया गरीब को, तो पता चला उस गांव के लोग नाराज होते हैं, नात रिश्तेदार नाराज होते हैं, तो ढेर सारा वोट नुकसान होता है। अब किसी को भी विस्थापित करना हो तो पहले अस्थापित किया जाए उसको शुद्ध से और फिर संतुष्ट करके फिर उसको किया जाए। तकरीबन एक महीने पहले अकबर नगर में अवैध अतिक्रमण पर योगी सरकार का बुलडोजर चला था। 9 दिन तक चलाए गए इस अभियान में 24.5 एकड़ में बने करीब 1800 अवैध मकान, दुकानें और कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया गया था। आरोप ये था कि कुकरैल नदी की जमीन पर कब्जा कर लोगों ने कॉम्प्लेक्स, शोरूम, दुकानें और बड़ी संख्या में घर बना लिए। बहरहाल बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है, लेकिन रोक सिर्फ रजिस्ट्री वाले मकानों के लिए है। बिना रजिस्ट्री वाले मकानों के लिए खतरा अब भी बरकरार है। और अभी जब आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, पॉलिटिकल पावर सेंटर में एक बड़ी खबर आ गई है इसी से जुड़ी हुई।
लोग बेहद खुश है, ये तो आप देख ही रहे थे, अपने बयान भी वो आप तक पहुंचा रहे थे। और आपको बड़ी खबर बता दें, दरअसल बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि निवासियों की सुरक्षा हमारा जिम्मा, हमारी जिम्मेदारी है, प्रभावित परिवार निश्चिंत रहें, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक के बाद योगी आदित्यनाथ का यह महत्वपूर्ण बयान कि निवासियों की जो सुरक्षा है वो हमारी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में धर्मगुरु शंकराचार्य को लेकर सियासी बयान का दौर देखने को मिल रहा है। असली हिंदुत्व को लेकर शंकराचार्य ने जो बात कही थी उसके बाद सत्ताधारी शिवसेना की तरफ से उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो ये जो हिंदुत्व का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है इसको लेकर कैसे सियासत हो रही है, दिखाते हैं आपको। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सोमवार को मातोश्री में पूजा की जहां पूरा ठाकरे परिवार मौजूद था। इसके बाद शंकराचार्य ने असली हिंदुत्व को लेकर जो बयान दिया उस पर महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई हो चुका है। भाई हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है, जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं। शंकराचार्य ने उद्धव की सियासत को असली हिंदुत्व का सर्टिफिकेट दिया तो शिंदे की शिवसेना को ये बात चुभ गई। शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु है और उनको इस प्रकार से मत व्यक्त करने का अधिकार है। शंकराचार्य जी ने अगर उद्धव जी को आशीर्वाद दिया है तो किसी को दुख होने की जरूरत नहीं है। अगर और किसी को आशीर्वाद मिलता है तो चलता है क्या? उद्धव जी को दिया तो आपको वेदना होती है, दुख होता है। इस विषय पर शंकराचार्य जी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी वेदना हुई, मुझे पीड़ा हुई है। अब किसी व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के राजनीतिक खिलवाड़ की वजह से आपको पीड़ा होती है? आप एक धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं, इसका ख्याल रखिए और इसका हम बहुत सम्मान करते हैं। अब वो कहते हैं जब तक ये मुख्यमंत्री बनेंगे तब तक पीड़ा रहेगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये शंकराचार्य नहीं तय करेंगे। असल में दो साल पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर अलग पार्टी बना ली थी। बाद में शिंदे की पार्टी को ही असली शिवसेना का दर्जा मिला। अब आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में असली हिंदुत्व को लेकर सियासत गर्मा गई है। बात मानसून की, मानसून के मौसम ने कई राज्य सरकारों की सिरदर्द जो है वो बढ़ा दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक नदियां इस वक्त काल बनकर कहर बरपा रही हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में नदी किनारे सटे आधा दर्जन से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पानी ने हाहाकार मचा दिया है। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, बारिश और बाढ़ से आधे हिंदुस्तान में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। जल तांडव की ये तस्वीरें दक्षिण राज्य केरल के एर्नाकुलम से सामने आई हैं। भारी बारिश के बाद प्रसिद्ध मन्नापुरम मंदिर परिसर पूरा डूब चुका है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को मंदिर में तैर कर जाना पड़ रहा है। बाढ़ से यूपी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद सिद्धार्थनगर के निचले गांव टापू की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा तबाही खैरी शीतल प्रसाद गाँव में हुई है। का जलस्तर कुछ इसी तरह लगातार बना हुआ है। लोगों का आसरा जो है वो फिलहाल छत बना हुआ है और काफी ज्यादा परेशानी और समस्याओं का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। और एक टापू में तब्दील हुआ ये इलाका साफ तौर से नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं इस गांव के जहां पर हम मौजूद हैं, इन लोगों से बात करेंगे। बाढ़ आता है तो आने जाने को दिक्कत होता है, कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। सिद्धार्थ
नगर में राप्ती और बूढ़ी राप्ती भयंकर तबाही मचा रही है। बाढ़ से तकरीबन 400 गांव प्रभावित हैं। कच्चे मकानों ने मानो जल समाधि ले ली। राप्ती नदी के कहर का पानी है वो आप देख पाएंगे कि मेरे घुटने से भी ज्यादा पानी यहां पर आपको नजर आएगा। अब तक तकरीबन 400 गांव प्रभावित हैं और इनकी संख्या आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती है। तो साफ तौर से और तमाम जो मकान है वो इस इलाके में आपको डूबे हुए नजर आएंगे। काफी ज्यादा खराब स्थिति इस इलाके में रहने वाली लोगों की है। पहाड़ों में हो रही बारिश से वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। वाराणसी और आसपास के जनपद में जो प्रमुख नदियां हैं उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केवल प्रमुख नदियां ही नहीं बल्कि सहायक नदियों के भी जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। ये देखिए, ये वाराणसी के घाटों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अब लगभग जो घाटों का संपर्क है वो टूट चुका है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि छोटी नावों को अब नहीं चलाया जा सकेगा। बड़ी नावों में भी सख्ती कर दी गई है। निर्धारित लोगों के साथ ही सफर करने का आदेश दिया गया है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। यूपी के उन्नाव में अधिकारी खुद गांव प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों में डॉक्टर्स की टीम भी तैनात की गई है। उन्नाव के चंपापुरवा और दूसरे इलाकों में बाढ़ पीड़ितों को राशन बांटा जा रहा है। और देखिए, कुदरत का ये जो जल काल है सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तमाम जगहों पर लोग पानी के प्रहार से परेशान हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस तरीके के हालात कब तक बने रहेंगे। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में भी बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। खंडवा में दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई पुल और पुलिया पानी में डूब गए हैं। लोग जान खतरे में डालकर पुल पार कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में गंडक नदी निचले इलाकों में कहर बरपा रही है। दर्जनों गांव पानी की आगोश में, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सरकार से कोई मदद नहीं मिला यहाँ। हम लोग भूखे प्यासे, जैसे अधिकारी लोग आ रहा है चले अधिकारी आ रहे हैं लोग चले जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकारी सुविधा मिलना चाहिए आम पब्लिक, वो नहीं। जितने भी लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनको मुआवजा दिया जाए, जो भी नियमावली में बनता है। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश के बाद जालिंद्री रेलवे स्टेशन में ट्रेनों की पटरियां डूबी हुई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ट्रेन कुछ देर मौके पर ही अटकी रही, हालांकि बाद में पानी कम होने पर ट्रेन आगे की तरफ रवाना की गई। बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हालात सबसे ज्यादा खराब है, तो वहीं असम में 25 से ज्यादा जिले अब भी बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। ब्रह्मपुत्र समेत दूसरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लाखों लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं।